ये आप सभी जानते हैं कि बाइक पर हेलमेट का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है, और कई सारे लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं भी, पर वो हेलमेट का यूज़ बस चालान से बचने के लिए करते हैं, ना कि खुद की सेफ्टी के लिए। आज एक ऐसा ही डैशकैम फुटेज चैनल पर शेयर करी गई है जहां बाइकर का हेलमेट बस एक खड़े ऑटो से टकराने के बाद गिर गया, और ये एक्शन मिस्टर गौरव कुमार के कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया, जिन्होंने ये फुटेज चैनल पर शेयर करी है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट के डिटेल शेयर कर सकते हैं। इस एक्सीडेंट में ऑटो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और ऑटो ड्राइवर उसे ब्रिज पर साइड पर लगाकर ठीक कर रहा था। हालांकि किसी तरह का इंडिकेशन या हजार्ड लाइट ऑटो वाले ने यहाँ ऑन नहीं करी थी, जिस वजह से कोई भी गाड़ी ऑटो में जाकर लड़ सकती थी। और कुछ ऐसा यहाँ भी हुआ जहाँ बाइक वाला सीधा जाकर ऑटो से टकराया, और ऑटो से टकराते ही सबसे पहले बाइकर का हेलमेट उछल कर गिरा, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने सही से हेलमेट को स्ट्रैप नहीं किया था, और इन केस यहाँ उनका सर ज़मीन पर लगता तो हेलमेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। आगे आप वो डैश कैम फुटेज देख सकते हैं। वो ऑटो वाले से टकरा गया। तो आपने देखा कि यहाँ कैसे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ऑटो वाले की भी गलती रही, और सही से हेलमेट ना पहनना उसकी सेफ्टी को जीरो कर देता है, जो यहाँ भी देखने को मिला। तो सिर्फ चालान से बचने के लिए या गाड़ी में सीट बेल्ट रिमाइंडर की आवाज़ से परेशान होकर आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। इनका इस्तेमाल अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखकर करें, साथ में कार में डैश कैम एज एन एक्सेसरी ज़रूर इंस्टॉल करें। आप क्या क्या सोचना है इस एक्सीडेंट के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Thank you.